रसिक बिहारी लाल की जीवन प्राण आधार, रसिक रसीली रस भरी अलबेली सुकुमार। अलबेली सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी को और सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन है। नित्य निरंतर श्री प्रिया जी, श्री प्रिया संबंधी रस भोक्ता श्री बिहारी लाल जी की लड़ेती जू की प्राण आधार स्वरूपा हैं, और अलबेली अर्थात बामा सुकुमारी जू भी लाल संबंधी रस की भोक्ता, रस युक्त तथा रस से भरी हुई है। ऐसी सर्वेश्वरी श्री प्रियाजू को हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। रस की व्याख्या बहुत प्रकार से की गई है। प्रेम की एक उच्चतम परिपाक अवस्था को रस कहते हैं। प्रेम और रस में इतना ही तांतम्य है जितना ध्यान और समाधि में। अर्थात ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान, इन तीनों की त्रिपुटी बनती है, परंतु समाधि में त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, केवल ध्येय ही रह जाता है। इसी प्रकार प्रेम में प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, ये तीनों बने रहते हैं, जबकि रस में केवल प्रेमास्पद ही रहता है। अतः प्रेम की उच्चतम अवस्था का नाम ही रस है। श्री लालजू प्रेम के भोक्ता हैं, यह बात प्रसिद्ध ही है, एवं इस प्रकार से वे रस के लिए भी प्रेम से ही कहीं अधिकतर ललचाते रहते हैं। अब पद को ही देख लीजिए ना, कितने सुंदर रस की रसीली राधा, यद्यपि अपने प्यारे के रस की भोक्ता होते हुए भी रसिक हैं, तो भी लाल के उपभोग्य रस से भरी हुई है। इस रस के द्वारा उनकी प्राणों की पोषण करने वाली हैं, इसीलिए आप रसिक बिहारी जू की संजीवनी बूटी सदृश हैं। अलबेली जू में कोई एक रस की अनिर्वाचनीय अधिकता है, जिससे लालजू अहर्निश हमेशा हमेशा उस रस का पान करते रहते हैं। सर्वेश्वरी श्री राधा उस रस में अहर्निश डूबी रहती हैं। सर्वेश्वर श्री कृष्ण भी अहर्निश उसी रस का रसास्वादन करते हुए हमेशा उसी रस में डूबे रहते हैं। यूं तो उस रस की परिभाषा प्रेम और रस, उस रस का वर्णन कौन कर सकता है जिस रस का रसास्वादन सर्वेश्वर भगवान स्वयं करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। अब यहां पर एक बात तो समझनी है हमको, जिस रस को सर्वेश्वरी प्रदान करती हैं और जिस रस का सर्वेश्वर पान करते हैं, वो अद्भुत रस है। प्रेम एक प्रारंभिक करण है और रस उस प्रेम की एक उच्चतम स्थिति है। हम यूं तो आजकल तो आप सब जानते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथई धरो प्रेम कहावे सोई। सर्वेश्वरी अपने प्रियतम प्यारे के संग में सब निशा सुरति केल जन्य नृत्य करती रहती है, निशा में जागती रहती है। इस समय श्री प्रियाजू के समस्त अंगों से रस निर्जर हो रहा है, अतः इनके कौन कौन से अंग की अनुपता का वर्णन करूं। श्री हरि प्रियाजू कहती हैं, मेरी तो मात्र यही अभिलाषा है कि मैं इनकी दासी होकर सदा इनके साथ में रहूं। गोपी भाव जिनके अंदर है, जो गोपी बनना चाहते हैं या गोपी भाव से श्री प्रिया प्रीतम की सेवा करना चाहते हैं, वो कृष्ण की नहीं सर्वेश्वरी राधा रानी की दासी बनकर सर्वेश्वरी राधा रानी को ही मनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपनी सेवाओं से प्रसन्न करके उनके माध्यम से सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मना लेना चाहती हैं। सबने से बीती खेल में तव और अधिक उमंग, ऐसे नवल किशोर वर हिये वर्षों बसो अभंग। सबने से बीती खेल में प्रिय प्रीतम संपूर्ण रात्रि
उस रस में सराबोर रहते हैं, तो भी उनका जो उनकी जो उमंग है, उनका जो उत्साह है, वो कम नहीं हुआ है। एक और चीज समझे, संसारिक सुख, संसारिक कोई भी भावना एक सीमा पर जाकर थका देती है, लेकिन ये प्रिया प्रीतम का रस है जो कभी थकता नहीं, जो कभी पूर्ण नहीं होता, हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। मिले ही रहे तो मानो कबहु मिले ना, हमेशा मिले ही रहते हैं, हमेशा साथ ही रहते हैं, पर फिर भी ऐसे रहते हैं जैसे ये पहली बार मिल रहे हैं और इससे पहले कभी मिले ही नहीं है। इस नित्य नूतन प्रेम को युगल सरकार का वो रस है, इस रस को कोई गोपी भाव से ही जान सकता है, अन्यथा हर कोई इसको नहीं जान पाता है। इसीलिए रसिकों का संग करना चाहिए, और रसिकों के संग करने से वो गोपी भाव की प्राप्ति होती है, निकुंज में प्रवेश होता है, इसमें कोई भी संदेह बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि नवल बाल के साथ सुरति खेल खेलते खेलते सारी रात बिता देते हैं, तो भी इन दोनों के हृदयों में इस खेल के लिए उमंग बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे सुंदर भावों के साथ निकुंज में प्रवेश गोपी भाव को ही प्राप्त होता है। यूं तो मैं आगे भी इसका वर्णन करता रहूंगा, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि गोपी भाव अपने हृदय में जागृत करते रहिए, और कृष्ण की गोपी बनने की, सर्वेश्वरी राधा रानी की गोपी भाव की अपने हृदय में इच्छा जागृत करते रहिए। राधे राधे।